जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की श्री गुरु ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय चैतन्य चंद्राय जय जय नदिया बिहारी गौर चंद्र जय एक चक्रपति गोविंद दामो
गिणन्ति ए उसको एज इट इज विदाउट एनी अल्टरेशन कुछ तात्विक सात्विक बातें आपके कर्णरंध्रों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाने की एकमात्र मैं सेवा कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कर पत्र बेचकर कृपा आसन के भय उठो पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव भ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नावाचार श्रद्धा ठाकुर की जगत सुशील कृपाल की ताई गौर प्रेम नंदे तुम लोग वैष्णव भजन गाएंगे जय नील प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था दिला Bye.
हमोर भटायुग से वंचित नरोत्तम दास केवल रो रहे हैं।
जय नरोत्तम दास ठाकुर की जय। नरोत्तम दास भक्तों का सब न करके रो रहे हैं और हम मैं भक्तों का सब न करके जश्न मनाते हैं। मंदिर क्या जाना है, संडे को जाएंगे, एक दिन घरे रहेंगे, रजाई में घुसे रहेंगे, लेकिन रजाई खींचते रहेंगे लेकिन निकलेंगे नहीं। होती है कभी मजबूरी स्थिति परिस्थिति ऐसा हो, लेकिन भक्तों का संग के बिना हमें रोना चाहिए, ये बहुत दुर्लभ है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न छुई। तुलसीदास रामायण में कहते हैं, अरे बिना सत्संग के बुद्धि नहीं होने वाली है। विवेक कैसा विवेक, इस दुनिया से निकलने का विवेक, इस आसक्ति को काटने का विवेक, वैराग्य का विवेक, ज्ञान का विवेक। कुछ लोग अपने को बहुत विवेकवान समझते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, विवेकी हूं प्रभु, आई एम समथिंग, कौन कौन टेक्नोलॉजी करके बैठे रहते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, हमको ज्ञान क्या जरूरत है। लेकिन असली विवेक आचार्य कहते हैं, जो व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान हो भौतिक दृष्टि से, लेकिन यदि भगवान के पता नहीं कि भगवान कौन है, वो एक नंबर का निपट मूढ़ है। क्या है मूढ़, क्या है बोलिए, क्या है मूढ़ है। विचार करिए, जो भगवान को ही नहीं जानता है क्या ज्ञान रखता है। ऐसे भक्तों का संग न प्राप्त करके नरोत्तम दास ठाकुर क्रंदन कर रहे हैं। देखिए रोने की बहुत महिमा है, चाहे भक्तों का संग करें न करें, उसके लिए रोना हर जगह आता है। और हमारा संप्रदाय तो रोने की ही सिखाता है, रोएंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है, रोना नहीं आता है ना प्रभु, समस्या ही है। तो आज ऐसे ही एक रसिक मंजरी है, जगन्नाथ दास बाबा जी कौन है, रसिक मंजरी, कौन है रसिक मंजरी की, गोलोक धाम में रसिक मंजरी। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रसिक मंजरी है गोलोक नित्य धाम में, और इस धरा धाम पर आज से 150-200 साल पहले उनका प्रकट हुआ। गौड़ी संप्रदाय के सार्वभौम, सार्वभौम मतलब उत्कृष्ट, उत्तम, सबसे परम चरम जितने भी वैष्णव थे गौड़ी संप्रदाय में, चाहे वृंदावन धाम हो चाहे नवदीप हो, दोनों जगह के वैष्णव को मिलाने के बाद सबसे उत्तम कोटि के वैष्णव माने जाते थे। कौन? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। हरे कृष्णा संप्रदाय के सबसे उत्तम आचार्य माने जाते हैं और बाबा जी हैं। बाबा जी मतलब पहले हमारे संप्रदाय में संन्यास नहीं होता था, क्या होता था, बाबा जी व्हाइट, सब लोग व्हाइट पहनते थे। अगर सट गोस्वामी को ले आ, व्हाइट ड्रेस, कोपिन, कंथा, व्हाइट ड्रेस पहनते थे, लेकिन गृहस्थ भी व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, और जब बाबा जी व्यस्त वो भी वही व्यस्त बनेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा उसमें शंकराचार्य संप्रदाय बहुत फलफूल रहा था, तो वो लोग सन्यासी ड्रेस पहनते हैं, तो सन्यासी होता ना केसरिया, कौन सा रंग होता है, नहीं रंग कौन सा होता है, केसरिया रंग है, जो भी हो दोनों का बड़ा बोलबाला था रंग का, रंग अंदर कुछ भी रंग हो बाहर से रंग होना चाहिए, हमें अंदर से वैरागी बनना है बाहर से नहीं बनना है। मार्केट बैराग नहीं चलेगा, बंदर देखिए बंदर कितना बैरागी होता है, घर भी नहीं बनाता है और चश्मा ही चिंता है, बंदर पहले नंबर चश्मा नहीं करेगा, कुछ देगा विचार। मार्केट और फॉलो का बैराग नहीं चलता है, भक्ति बिल्कुल युक्त बैराग होना चाहिए, जो कुछ भी है दैट इज फॉर कृष्ण, नॉट फॉर माई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ने समय काल देश परिस्थिति को देखते हुए खुद स्वयं अपने आप से अपने गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज कौन है भक्ति सिद्धांत के, जगदानंद,
श्री गौर किसान दास बाबा जी महाराज की अपने आप में एग्जॉल्टेड वैष्णव है। विचार करिए, ये भी मंजरी है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले हमारी परंपरा में केवल मंजरियों की बात होती है, मंजरिया आवश्यक है। तो अपने गुरु महाराज का फोटो रख के अपने से दंड ले लिए त्रिदंड। उस समय से संन्यास की प्रक्रिया प्रोसेस हमारे संप्रदाय में चलने लगा। उसके बाद हमारे प्रभुपाद जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज केशव मठ मथुरा केशव गौड़ी मठ वहां से दीक्षा लिए संन्यास जनाब तक प्रचार किए। उसके बाद संन्यास की प्रक्रिया चालू हो गई। जैसे आप लोग भी संन्यास किसी संन्यासी गुरु से ही लेंगे, लेने वाले हैं आप लोग आगे सुन लीजिए। तो ये जनार्दन दास बाबा जी महाराज बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में रहते थे। बाबा जी मतलब अवधूत, उनको आन भान अपने शरीर का नहीं रहता है, कहाँ खाए कहाँ सोए कब खाए। जब भजन कर रहे हैं तो करते रहेंगे, दो तीन दिन तक लगातार हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। उनको पता ही नहीं है कि दिन कब निकल गया कब रात निकल गया, ऐसी नाम निष्ठा। तो इनकी परंपरा ऐसे आती है, विश्वनाथ चतुर्थी पाठ में जानते होंगे आप लोग, जिन्होंने श्रीमद भागवत महापुराण पर बहुत सुंदर एक कमेंट्री दी है सरार्थ दर्शिनी, उनके शिष्य हुए बलदेव विद्याभूषण, उनके शिष्य हुए उद्धव दास बाबा जी महाराज। ये परंपरा है हमारी, कौन सी है? एवं परंपरा प्राप्तम, बोलिए इमं राजर्षयो विदुः अकालेन इह महता योगो नष्ट परम तप। भगवान कहते हैं अर्जुन 4.2 भगवद गीता एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ये जो परंपरा में ये जो ज्ञान आता है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार परंपरा थोड़ा सा डिरेल, डिरेल मतलब रेल मतलब चल रही है, डिरेल मतलब हट जाना, उस पटरी से हट जाती है। तो पुनः भगवान रेदा रेदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, भगवान आते हैं पुनः परंपरा में ज्ञान को देते हैं ताकि परंपरा सतत कंटिन्यू चलती रहे, ज्ञान कभी विलुप्त न हो। पढ़िएगा 4:4 पुनः भगवान उसमें लिख रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रतिपाद के शिष्य हुए बलदेव विद्याभूषण, उनके शिष्य हुए उद्धव दास बाबा जी महाराज, और उनके शिष्य हुए मधुसूदन दास बाबा जी जो वृंदावन में ब्रज में सूर्य कुंड पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अभी भी है उनकी झोपड़ी भजनकुटी। तो उस मधुसूदन दास बाबा जी महाराज तभी एग्जॉल्टेड वैष्णव है बाबा जी। अब इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो समय नहीं करेंगे। इनके शिष्य हुए जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति सिद्धांत देन प्रभुपाद देन और गुरु। विचार करिए, इनका जन्म 1800 AD इसलिए नहीं एडी में कब हुआ था, 1800 AD में बंगाल में। पहले पूरा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है पूरा बंगाल था, क्या था? पूरा बंगाल था। बोलिए, डरे क्यों हुए? प्रसाद भी है चंद्र। और 142 साल तक इस धराधाम पर है, 142 कितने वर्ष तक अभिषेक प्रभु, 142 ईयर्स, जिन्होंने 60 साल वृंदावन में बिताए और 60 साल में से 60 साल 142 में से 60 साल 30 ईयर्स वृंदावन में, 30 ईयर्स नवदीप, एक साल में 6 महीना वृंदावन रहते थे और 6 महीना नवदीप धाम में रहते थे। कहाँ रहते थे 6 महीने? 6 महीने कहाँ रहते थे और 6 महीने कहाँ रहते थे बताइए? 6 महीने नवदीप में और 6 महीने वृंदावन। उसके बाद महाप्रभु के पास नवदीप में रहे, उसके बाद जब उनका लास्ट हुआ मतलब 100 के बाद क्रॉस किए तो नवदीप में ही सेटल हो गए। क्या हो गए? नवदीप में सेटल मतलब झोपड़ी बनाकर के भजन कुटीर अभी भी उनका है,
एक द्वीप है उसमें भजन पूरे है। बाबा जी महाराज कहते हैं कि महाप्रभु की कृपा चाहिए, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलना है। क्या बोलना है? चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलना है, सच्चिदानंदन। क्या बोलना है? विष्णु प्रिय प्राण धन, नित्यानंद प्राण धन, गदाधर माधन, लक्ष्मी प्रिय प्राण धन, ऐसे बुलाएंगे तुम्हें कृपा की प्राप्ति होगी। बाबा जी कहते हैं कि यदि आप सचिन गौर हरि, सचिन नंदन गौर हरि कीर्तन करेंगे तो बहुत जल्दी महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की वाणी है। और जो पंच तत्व का प्रणाम मंत्र हम लोग बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसको किसने कंपोज किया है? आपने, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इस पंच तत्व के प्रणाम मंत्र को कंपोज किया। विचार करिए, मालूम था? विचार करिए आप, एक ग्रंथ है गौड़ीय चरितावली। गौड़ीय मठ के एक महाराज हुए, उन्होंने बंगला में था उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। उसमें खुलासा कर रहे हैं कि इस पंच तत्व के मंत्र को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ही लिखा हुआ। प्रवीण प्रभु उधर क्या देखा? जगन्नाथ बाबा जी ना वेट कर रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ इस मंत्र को। किस मंत्र को? और कहते हैं कि इस मंत्र को हरेक राउंड से पहले बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना। हम लोग बोलते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि हरेक राउंड से पहले इस मंत्र को बोलना चाहिए, और बोलने से भगवान कृष्ण और महाप्रभु की कृपा की जो पूर्णता है, पूर्णता वो बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसीलिए आप श्री प्रभुपाद जी के एक एक लेक्चर को उठा के देखिए, प्रभुपाद जी इस मंत्र को जरूर बोलते हैं। उनकी जो टोन है, जय श्री कृष्ण, कैसे बोलते हैं? टोन याद है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रभुपाद जी ने यहां से लिया है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से लिया और हमको। इसलिए मंत्र जब बोलते हैं तो पहले जो मन का है उसका नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। देख महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के प्रणाम मंत्र है जो भी मैंने भेजा है आपको ग्रुप में, श्री गौर अभिभाव भूमे स्तम। बोलिए, आज के दिन नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? श्री गौर अभिभाव भूमे स्तम, निर्दिष्टा सज्जन प्रिय, वैष्णव सार्वभौम,
जगन्नाथाय ते नमः। श्री गौर अभिभाव भूमिस्थम निर्दिष्टा, इस लाइन को पकड़ेंगे हम लोग, इसमें मीनिंग है। श्री गौर अभिभाव भूमिस्थम निर्दिष्टा, निर्दिष्टा निर्देशित करते हैं। गौर अभिभाव भूमि को कौन करे? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के चरणों में श्री जगन्नाथाय ते नमः प्रणाम करता हूं। किसके चरणों में? किसके चरणों में? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के, जो संपूर्ण वैष्णवों में आदरणीय है, सार्वभौम है और महाप्रभु के जन्मभूमि के निर्देशक माने जाते हैं। इसका मोटा मोटी अर्थ है तो महाप्रभु का जहां जन्मस्थली है, योगपीठ, योगपीठ कौन से द्वीप में है? नवद्वीप में, नवद्वीप है। मैंने बोला कौन से द्वीप में है? अंतरद्वीप में है। उस अंतरद्वीप में योगपीठ आता है। बोले योगपीठ की अंतरद्वीप में महाप्रभु की जन्मस्थली थी, परंतु कोई जानता जानता। एक दिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने स्वानंद सुखदा कुंज गोद्रुम द्वीप, बोले गोद्रुम द्वीप की, अरे नाम बोले नाम दसी पवित्रता आ जाती है, जैसे भांडी बन गई, बोलने से 21 प्रीत तर जाती है, उसी तरह ये नवदीप धाम के एक द्वीप के खाली जय जय बोलेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, मेरे ऐसा आलसी आदमी तो छल जाए जाए बोल निकल जाएगा, क्या टेंशन लेना है, जितना मथा खराब नहीं करना। तो भक्ति विनोद ठाकुर स्वानंद सुखदा कुंज गोद्रू में उनका अपना घर है। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है नित्य लीला में। कौन मंजरी है? कमल मंजरी। इसलिए बता रहे हैं करेगा कि आप लोग जाएंगे तो वहां पूछिएगा नहीं कि कमल मंजरी कौन है और रसिक मंजरी कौन है, सुने रहेंगे तो जाने करते। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंदिरी है, गौर किशोर जगन्नाथ दास बाबा रसिक मंदिरी है, सब उनसे परिचय कर लेंगे अपना कि प्रभु आपके बारे में मैंने सुना था वहां पर भगवा इस्कॉन में, आज के दिन तो उनका दरवाजा पूरा खुला होगा, देख रहा होंगे उधर से कौन कौन मेरे बारे में सुन रहा है जान रहा है। तो गंगा में पहाड़ आने की वजह से जो गोदपीठ था उसका पता आता नहीं चल रहा था, केवल झाड़ियां कटीली, तुलसी के वृक्ष और कुछ यवन मलिक मुसलमान महाप्रभु के जो योगपीठ था, जन्मभूमि था, उसको घेर करके घर बना करके आनंद ले रहे थे। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर अपने बरामदे में से, अभी तो बरामदे में से योगपीठ नहीं दिखता है, पहले की बात हो रही है, आज से 500 साल 400 साल पहले की बात है, उन्होंने एक प्रकाश पुंज को देखा। क्या देखा? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज को देखे कि उसमें महाप्रभु अपने जितने भी पार्षद हैं पंचतत्व सबके साथ क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। तो गए वहां पर तो मलेच्छ और यमन सब वहां बैठे हुए थे, इन द सेंस वे लोग सब कब्जा किए हुए थे। तो पूछे कि भाई ये स्थान कौन सा है? तो कुछ यमनों ने बोले, कुछ यमन बोले कि प्रभु ये जमीन ऐसा है कि मैं कुछ भी बोलता हूं इसे तुलसी पौधा ही निकलता है, कुछ भी हम लोग बोलते हैं तुलसी पौधा ही निकलता। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, उनकी ऑफिस कृष्णा नगर में थी और उनका घर कहाँ था? स्वानंद, स्वानंद सुखदा कुंज गोद्रुम द्वीप में। इसलिए आप देखेंगे कि ब्रिटिशों ने, ब्रिटिश सरकार ने कृष्णा नगर टू गोद्रुम द्वीप तक एक पटरी बिछाई है, अभी भी पटरी है, फ्रॉम कृष्णा नगर टू गोद्रुम द्वीप, इस भक्ति विनोद ठाकुर को आने जाने के लिए ऑफिस में दिक्कत ना हो। ती तो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, पूरे भौगोलिक नक्शा को निकाले, सब पता किए, कंफर्म हो गए, परंतु चाहते थे कि और कंफर्मेशन हो। अपने गुरु महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास गए और बिना बताए, नहीं बताए कि मैं आपको योगपीठ पर ले जा रहा हूं, चाहे उस जगह पर ले जा रहा हूं। और उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज
कि जो पलकें, पलकें समझते हैं आपकी पलकें, ये बिल्कुल ऐसे बंद हो जाती, कैसे? बिहारी लाल उठाते थे इसे, बिहार वाले को देखते थे, समझ ले, इतनी बड़ी बड़ी पलकें थी, मोर देन 130 इयर्स के थे, और उनका शरीर ऐसे झुक गया था, कैसे? अर्धचंद्र का, हमारे आचार्य बोलते हैं अर्धचंद्र की तरह, धनुष की तरह बोल सकते हैं, एकदम बिल्कुल गोल, ऐसे 6 फीट लंबाई थी उनकी, 6 फीट। और जैसे ही बिहारी लाल टोकरी में उठा करके बाबा जी महाराज कोदरी टोकरी से जहां चंद्र महाप्रभु का जन्म स्थली था, और लेटने लगे धूल में, बोले कि यही निमाई का जन्म स्थान है, यही निमाई का जन्म स्थान है, यही निमाई का जन्म स्थान है। बोले जगन्नाथ बाबा जी महाराज की, ये जो जोग पीठ है जब लोग दर्शन करते हैं वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के द्वारा खोजा गया, इसलिए कहते हैं श्री गौर अभिभाव भूमेतम निर्देश, इन्होंने खोज के दिया, कंफर्मेशन डन है, यही है निमाई का जन्मभूमि। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर उनको वैष्णव सार्वभौम बोलते हैं, क्योंकि वृंदावन और नवद्वीप में जितने भी वैष्णव थे सबसे उत्तम इनको गौर अभिभाव इनके जीवित बोले। तो बाबा जी महाराज का जो नाम भजन था, नाम भजन समझते, नाम अतुलनीय अवर्णनीय, जब ठंडा होता था गर्मी, जैसे गर्मी लगा रही मार्च अप्रैल, गर्मी में क्या करते थे, नवदीप और वृंदावन छोड़कर ऋषिकेश जाते थे, कहां जाते थे? ऋषिकेश। बोले ऋषिकेश धाम की, गंगा की तो धारा मंदाकिनी की बहती है, और सुबह सुबह उस ठंडी जल में स्नान करते थे, स्नान करने के बाद कहीं थे रूम में अंदर होते थे, अंदर लॉक करते थे, और लगातार 3 दिनों तक क्या करते थे, हरे कृष्णा बोलिए, वहां पर किसी के जी सतत सतत नाम भजन बहुत स्ट्रॉन्ग था इनका, कि आज तो कल सुबह बोलते हैं नाम निष्ठा किसी भी स्थिति में। उसके बाद दूसरे पास टाइम आता है कि ये आदेश दीजिए, तो बोले पहले भागवत बोलना बंद करो, लखे हो बोले तो भागवत बोलने के अपने के लिए, किस लिए, रोजी के लिए, एक बंद करो, फिर हृदय से नहीं निकलता है, क्योंकि तुम पेट के लिए करते हो, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ डोनेशन मिल जाए, कुछ माल पानी मिले। देखिए भागवत को 3 तरह से बोला जाता है, जो पेट का जो दिन बोलेगा रियलाइजेशन एक अपने लिए चलता है खाएंगे, क्यों इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहता है, लेकिन जो सब डर गया, क्या कुर्सी का से बकरी की चरणों में जाए तो कोई सर नहीं बोलो बोलो बिहार पैसे नास गरीबों को किसको फीस्ट कराते थे, फीस्ट एक एक रसगुल्ला मुंह में, गाय माता आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो, विचार करिए एक प्रेम था। बाबा जी महाराज धामी में रहने वाले, धामी में जो धाम और धामी है, मतलब धाम में रहने वाले कुत्ता बिल्ली सबके प्रति आदर सम्मान रखते थे। एक बार भोजन कर रहे थे बाबा जी महाराज, कुत्ते के बच्चे छोटे छोटे, अगर आप खाएंगे प्रसाद भोजन तो कुत्ते के बच्चे चले आते हैं, तो बाबा जी भी खा रहे हैं, कुत्ता के बच्चा भी उसी में थाली में, तो देखे बोले हट हट दूर दूर दूर, हटा दिए सब, बाबा जी ने अपना थाली हटा दिया, बिहारी ले जाओ नहीं खाओ, क्यों बाबा पता है ये कौन है, ये हमसे
बेहतर है। इसलिए धाम में सुअर ही क्यों ना हो, कुत्ता ही, चींटी ही क्यों ना हो, चिड़िया ही क्यों ना हो, गधा क्यों ना हो, हमसे 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 श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कहना चाहिए अरे अरे देखो वृंदावन में नाला भर, नाला नहीं है वो, हमारे आंख में नाला भर रहा है, कचरा भरा इसलिए दिखाई दे रहा है, वो चिंतामणि धाम है। उस धाम को देखने के लिए ग्रंथ के शरण में जाना पड़ेगा, तब बन जाएगी। चक्षु दान दिले जाई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, बिना दिव्य ज्ञान से हृदय में प्रकाशित होने वाला नहीं। ऐसे बाबा जी महाराज जब कुत्तों के प्रति उनकी ऐसी आदर बुद्धि थी, और लास्ट में सभी कुत्तों को बाबा बिहारी ने खोज कर लाए और उसी थाली में बाबा जी भी खा रहे हैं और सब कुत्ते भी खा रहे हैं। देखिए हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमारी आपकी हो सकती है, मेरी चेतना वैसी नहीं है। एक ही थाली में कुत्ता और हम कैसे संभव, एक डाइनिंग टेबल पर कुत्ता भी होता है, एक तरफ से हम खाएंगे फुलाटो भागो क्या एग्जॉल्टेड वैष्णव है, विचार करिए। जब बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत 12 साल के थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो बाबा जी महाराज उनको आदेश दिए एक वैष्णव कैलेंडर की तैयारी करो, क्या करो, जो आज हम पढ़ते वैष्णव कैलेंडर, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद 12 वर्ष की उम्र में महाराज के बाद ये वैष्णव कैलेंडर तैयार किए। जो आज वैष्णव होते हैं सभी वैष्णव, बिल्कुल ये भक्ति सिद्धांत के सरस्वती ठाकुर के द्वारा बनाया गया है वैष्णव कैलेंडर। गौड़ीय पंचिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गौड़ीय पंचिका। एक आता गौड़ीय गीत, गीत बहुत गौड़ीय में बहुत कुछ अंदर में है, ये हम जानते हैं, कहां हम जानते हैं क्या 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 रोग से पूरा दिया हुआ, कितने कितने गौड़ीय संप्रदाय वैष्णव हुए, पूरा चरित्र है, प्रणाम करते थे। उनके डीटी का नाम था गिरधारी और सटभुज गौराव, क्या नाम था, गिरधारी की सटभुज गौरांग महाप्रभु की, सटभुज छह भुजा, दो रामचंद्र की, दो कृष्ण की और दो महाप्रभु की, सटभुज गौरांग। अगर वृंदावन अभी जाए तो प्रभुपाद जी की समाधि के सामने एक प्रदर्शनी लगा हुआ है, उसमें सटभुज गौरांग का विग्रह बनाया गया है ना, वहां पर है। उसके बाद क्या करते थे कि इनकी जो साधना थी इतनी निष्ठा थी कि जैसे पत्थर पर लकीर, एक बार कह दिया तो करते थे। इसलिए ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से 10 शिक्षाएं हमें प्राप्त होती है, उन शिक्षाओं को हम जानेंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते कि कभी अभक्तों का संग मत करो, भक्त है लेकिन भौतिक इच्छा रखता है उसका भी, भक्त है भौतिक इच्छा रखता है उसका भी संग मत करो, स्त्री संगी का भी संग नहीं करना चाहिए। महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कह रहे हैं, करे असत संग त्याग यही वैसा स्त्री संगी असाधु कृष्ण भक्त। अगर भक्त है भौतिक इच्छा रखता है, जैसे पूतना किस रूप में आई थी, गोपी बन गई, उद्देश्य क्या था, कृष्ण को रावण साधु के वेश में आया था सीता जनक जननी को हरने के लिए, लेकिन उद्देश्य क्या था, सीता माता को हरण करना। ऐसा नहीं है कि जो साधु हो गया कंठी लगा रहा है भौतिक इच्छा रखता है उसका भी संग नहीं करना है, ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कह रहे हैं। भौतिक इच्छा रख रहा है लेकिन साधु है ऊपर से उसका भी संग कैसे लोगों का संग करना है, उपदेशामृत पढ़िए 8वां नंबर श्लोक, निंदा दिशून्य ये श्लोक पढ़िएगा,
अकिंचन भक्तों का संग करना चाहिए, अनन्य भक्तों का संग करना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा, भक्त जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। फिर कह रहे कि जो भक्ति में जो गंभीर नहीं है उनके पास कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भक्ति में गंभीर नहीं है, चल रहा है प्रभु जी माला हो जाता है, दो हो जाएगा प्रभु जी, कल परसों करेंगे, नहीं उनके यहां कभी प्रसाद नहीं किए। क्यों? बिसाई रहना खैला मदीना चरण परम पर जाएगी। आज जब मन मलिन हो जाएगा ना प्रभु, तो कृष्ण का स्मरण जीवन में कभी नहीं होने वाला। सब मन का खेला है, मन एवं मनुष्य नाम, मन मना हो मत भक्तो। दो दो बार, एक नौवे में एक अठारहवे में। इमेजिन, भगवान कहते हैं मन लगाओ, मन कैसे लगेगा? तो विषयी मन खा रहे हैं विषयी। जब तक विषयों को अंदर घुसाएंगे शुद्धता कभी आने वाली नहीं। इसलिए बिना भोग ऑफर के कभी जीवन में नहीं खाना चाहिए। अब मर रहे हैं तो गले में कंठी है, चिपका करके खा लो भाई। जैसे फल है प्रचार के लिए जाए, प्रचार के कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रचार के लिए गए हो ना। इसलिए बने रहने के लिए बहुत इसलिए विषयी मन नहीं। फिर कहते चैंट फिक्स राउंड ऑफ जपा। उनका जो राउंड था मतलब 16 तो 16 करेंगे, चाहे जन्म मृत्यु मृत्यु की किसी भी स्थिति में, मतलब कोई मर जाए, डूब जाए, बह जाए, फना हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन जपा होगा के लिए 128 rounds every day करते थे। टाइमिंग क्या था उनका? 3-7 इन द मॉर्निंग, 3-7 और रात में 7-11। शांत हो गया जब सब लोग सो जाते थे। हरे रामा हरे रामा। If you want तो fix chant fix round of japa, बिल्कुल सुनिश्चित कर लो कि मुझे 16 करना है तो करना है। टाइमिंग इज फिक्स करो। 2 lakh नाम कितने? 2 lakh नाम। और फिर बाबा जी महाराज जो प्रसाद खाते सिंपल सिंपल प्रसाद, बॉयल केला, बॉयल आलू, बॉयल तरक भड़कर नहीं, बॉयल। और उनको जो ग्राम का था न सुनी दे, ग्राम का था ना बोली दे, ब्रज राधा कृष्ण मनसी सेवा करीबे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और मानसिक सेवा ब्रज में राधा करते थे। देखिए मन से की गई सेवा बहुत उत्कृष्ट है। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर मानसिक सेवा में राधा रानी को दूध गर्म कर रहे, गर्म करते टपक मंजी जल्दी दूध लेके आओ, मेरे स्वामी को दूध दे रहे हैं। इसको बोलते हैं मानसिक सेवा। हम तो ऐसे भी उठाए नहीं जाने, इतने हम कठोर हैं। हम मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं। रघुनाथ जी मन से राधा कृष्ण को खीर ऑफर किए और इतना खीर खा लिए उनका सुबह ब्लड शुगर बढ़ गया था। सब डॉक्टर आए चेक करने लगे, ये बाबा जी बहुत शुगर खाए हैं। सब शिष्य ने बोला अरे मेरे महाराज गुरु महाराज ने कोई शुगर नहीं खाया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी बोल खोलते हैं, हाँ मैं रात में ना राधा कृष्ण की मानसिक सेवा कर रहा था
और बहुत सुंदर खीर बना था, और उस खीर को एक कसोरे की जगह दो चार पांच कसोरा लपेट लिया था, इसलिए ब्लड शुगर, और हम कितना भी खा ले हमारा शुगर बढ़ने वाला नहीं है। विचार करिए आप, वो मन से किए तो शुगर लेवल बढ़ गया, हम कितना खा रहे हैं फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कहते हैं परिस्थिति जब जीवन में हो प्रतिकूल परिस्थिति, तो समझो कि भगवान की कृपा हमारे पर हो रही। बाबा जी की वाणी है, अपने गुणगान का ड्रम बजाओ, क्या करो अपने गुणगान का ड्रम मत बजाओ, दूसरे की निंदा का भी ड्रम मत बजाओ। दो पॉइंट, आलस पता नहीं कौन जगह क्या कोटा बाकी रह गया क्या पिछले जन्म। महाराज जी कहते हैं उनको सुना दो चार दिन, तब कथा सुनाइए, खटिया लाओ, मछिया लाओ, रजाई लाओ, पुस्तक लाओ, सुलाओ, सो जाओ, उसके बाद बोलो भाई अब जगो, अब कथा सुनो। यह हरिद्वार महाराज कर देते, महाराज कहता जो सोता था ना उसको खड़ा कर देते थे, खड़े करते खड़े खड़ा सो रहा है, अब बचाते नहीं। बोले भाई इनके लिए लाओ पलंग उलंग, सुलाओ इनको। विचार करिए फिर कह रहे कि असावधानी पूर्वक जब करने से बेहतर है किसी वैष्णव के घर के आंगन में जाकर सब्जी उगाना। असावधानी पूर्वक जब करने से अच्छा है राम श्याम प्रभु जी घर में जाकर के सब्जी उगाना। क्यों क्यों इन्हें घर के आ गया ना, मुझे दिखाई दे रहा बहुत फूल लग रहे हैं, बुलाने लगे प्रभु जी हमसे, बोल रहे थे प्रसाद चलेगा चिंता मत करिए। वैष्णवों की सेवा करे कि तुमसे माला हो नहीं रहा है, तुम तो अपराध कर रहे हो, इससे बढ़िया है कि उत्तम वैष्णवों की सेवा करो, क्योंकि वैष्णवों की सेवा करो तो नाम रुचि बढ़ेगी। प्रभु कहे वैष्णव सेवा, प्रभु कहे जल्दी कृष्ण के चरण की करनी है तो क्या करना है, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे कृष्ण राम चरण। तो नाम संकीर्तन तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, इसलिए किसी वैष्णव के आंगन में जाकर के सब्जी उगाना चाहिए। विचार करिए ये बहुत दो पावरफुल चीज है, वैष्णव की सेवा और नाम संकीर्तन, कृष्ण के प्रति कृष्ण के चरणों के प्रति अनुरक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। फिर कह रहे महान वैष्णव का अनुकरण मत करो, अनुसरण करो। अनुकरण मतलब कॉपी नहीं करना है, एकदम ठंडा लग जाएगी मर जाएंगे। अब रघुनाथ दास गोस्वामी एक अंजुली छाछ पी करके हम खत्म हो जाएंगे, भक्ति वेदांत की भर्ती नहीं लगा, बोला रेफर करो कहां पे, बनारस, कौन सा बनारस हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर में, ट्रामा सेंटर में भीड़ है, ट्रामा सेंटर में। विचार करिए इसलिए अनुभव नहीं करना है, इसलिए इतना भजन डीप था उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इतना भजन किए नवदीप में उनको साक्षात राधा माधव का दर्शन हुआ, और दर्शन करने के बाद आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर नवदीप गोलोक वृंदावन धाम में रसिक मंजरी के रूप में प्रवेश कर गए। बोले रसिक मंजरी की, उनकी समाधि नवदीप धाम के कोल द्वीप में है, कोल द्वीप गए नहीं गए, उनकी समाधि है, और नवदीप और वृंदावन में है, वृंदावन में सूर्य कुंड के तट पर है। अगर आप छाता जाते हैं छाता वृंदावन टू छठी छाता, छाता के अगर बगल में सूर्य कुंड है, उसी के उसी सूर्य कुंड के तट पर इनका भजन कुटीर अभी भी है। तो आज के दिन हमें करना चाहिए कि वैष्णव ठाकुर आपकी जैसे नाम निष्ठा थी
वैसी नाम निष्ठा हमें भी हो जाए, आपकी जैसी निष्ठा आदर बुद्धि थी वह जो धाम के प्रति, वैसी निष्ठा हमारे अंदर भी हो जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ अपने वाणी को विराम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक चीज बता है ना, मान लीजिए कि जो जप नहीं करता है, जप वैष्णव की तो बात छोड़िए, जो जप नहीं करता है लेकिन वो प्रसाद की बात नहीं हो रही है, विषयी रमन, विषयी लोगों के हमें खाते हैं, विषयी मतलब ये ऑफर करके खाते हैं, क्योंकि ऑफर करने से भगवान उसके पापों को खा जाते हैं। लेकिन अब भोग लग गया है वो करता। हाँ तो ठीक है, गुड है, भोग लग गया तो गुड है ना। प्रयास करना चाहिए कि वैष्णव बनाए हो, वैष्णव हो कि हाँ प्रयास करना चाहिए भरसक। अब देखिए ये सिद्धांत है, लेकिन आचार्य कह रहे थे कि जब स्थिति परिस्थिति हो तो उस समय जैसे संबंधी के आगे का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो मजबूरी है। इसे मान लीजिए आप अपने ससुराल जाते हैं, तो ससुराल नहीं खाएंगे तो पत्नी बोलेगी क्यों नहीं खा रहे यार, ये सिचुएशन है, मजाक मत करिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिचुएशन है। अब तुलसी पत्ता पकड़ में रखे हैं, आप ही बोलते हैं पकड़ में रख लो, डालो महामंत्र बोलो, जैसे भी मंत्र बोलो, ठीक है प्रभु अब मजबूरी है खाना पड़ रहा है, नहीं तो फास्टिंग कर लीजिए, प्रभु जी आज सोमवार व्रत है हमारा काम करता। बोले आप तो एकादशी रहते हैं, दिव्य दिव्य तत्व को जानते हैं तो फंस जाएंगे, तो फिर पत्ती डालकर खा लेना चाहिए, उनको रुष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं आचार्य कि हो सकता है कि आपको खाने से भक्त बन जाएंगे, क्योंकि देखिए वो भक्त है, ये हमारे यहाँ खा लिए, उनको क्या मन में क्या मंत्र बोल रहे हैं, खा तो रहे हैं ना, भक्त बन जाए। पर प्राण चार पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी, सही है, मोहर लगाया जाए।